everybody, my name is Udit and you are watching Tech Lounge. आज मैं आपको इस चैनल पर Tech News number 17 देने वाला हूँ और इस Tech News की हम शुरुआत करेंगे realme से. realme का X2 Pro और realme X2 में आपको OTA अपडेट मिलना शुरू हो गया है. ये आपको दिसंबर के Android सिक्योरिटी पैच के साथ मिलेगा. इसमें आपको जो भी आपके फोन में बग्स वगैरह आ रहे थे वो सब रिमूव कर दिए जाएंगे और इसमें आपको डार्क मोड भी मिलना शुरू हो जाएगा. इसमें आपको डार्क मोड के लिए फास्ट स्विच टॉगल दिया गया है जिसको आप दबा के डार्क मोड ऑन कर सकते हैं और नहीं तो आप नोटिफिकेशन सेंटर में जाकर भी डार्क मोड को अप्लाई कर सकते हैं. उसी के साथ इसमें जो कॉल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया गया है और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा में नाइटस्केप मोड है उसको भी इनने इम्प्रूव किया है ताकि आपको लो लाइट में बेटर सेल्फीज देखने को मिले. इसमें वीडियो में HDR फीचर भी एनेबल कर दिया है और उसी के साथ आपका जो पर्सनल हॉटस्पॉट डेटा का जो डिस्प्ले है वो भी आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा. ये अपडेट कुछ डिवाइसेस में अभी देना शुरू किया है. अगर आपको अभी नहीं मिला है और आपको इसका अपडेट चाहिए तो आप realme की वेबसाइट पे जाके मैनुअल भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सेकंड न्यूज सैमसंग की तरफ से आ रही है. सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जो उनका गैलेक्सी एस सीरीज है और फोल्ड 2 वो आपको 11 फरवरी को देखने को मिलेंगे. ये जो इवेंट है इनने सैन फ्रांसिस्को में रखा है और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको ये रात को 12:30 बजे देखने को मिलेगा. एस सीरीज में सैमसंग के 3 फोन्स आपको देखने को मिलेंगे. एक जो होगा उनका S20, दूसरा इसमें होगा S20 Plus और तीसरा S20 Ultra. इसके साथ ही साथ आपको फोल्ड 2 भी देखने को मिलेगा. ये जो फोन्स हैं इसमें किसी में एक में आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है. ये 5x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा और इस बार आपको पहली बार 8K या 30 FPS में वीडियो शूट करने का मौका भी मिल सकता है. तीसरी न्यूज एप्पल की तरफ से आ रही है. एप्पल CES 2020 में पार्ट लेने वाला है और ये 28 साल बाद ऐसा होगा जब एप्पल CES में कदम रखेगा. 28 साल पहले 92 में एप्पल ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स शोकेस किए थे और इस बार एप्पल 28 साल बाद आ रहा है और इसमें आपको एप्पल के स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे. और एप्पल के एनालिस्ट की माने तो उनका कहना है कि इसमें आपको इस बार 6 आईफोन मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ उनका जो 12.9 इंच का आईपैड प्रो है वो आपको थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा. ये सारे आपको इनके जो नया A14X बायोनिक चिप है उसके साथ आपको देखने को मिलेंगे. एप्पल हो सकता है इस बार 5G कनेक्टिविटी के साथ भी आपको मिले. फोर्थ न्यूज़ इंटेल की तरफ से आ रही है. इंटेल CES में अपने कुछ CPUs दिखाने वाला है. ये जो CES होगा ये कल से शुरू होने वाला है और इंटेल इसमें अपने 10th जनरेशन के CPUs आपको दिखाएगा जो कि कॉमेट लेक आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. ये जो प्रोसेसर है ये 40 नैनोमीटर पर बने हुए हैं और इसमें आपको कोर i7 और i9 देखने को मिलेगा. कोर i7 इसमें 5 GHz पर क्लॉक्ड है और जो i9 है वो इससे भी ज़्यादा फास्ट होगा. इसी के साथ इंटेल ने एक टीज़र दिया है अपने मिनी PCs का जिसको कहते हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग NUC. NUC 9 एक्सट्रीम के नाम से इंटेल ये अपने मिनी PC लेके आने वाला है जो कि i9 प्रोसेसर के साथ आएगा और ये 5 GHz पे क्लॉक्ड होगा. इन सब के अलावा इंटेल इनके 10 नैनोमीटर पे जो बना हुआ प्रोसेसर है वो भी आपको कल दिखाएगा जिसका नाम उन्होंने टाइगर लेक रखा है और ये आइस लेक का सक्सेसर होगा और ये AI पावर्ड है और इसमें कई तरीके की AI ऑप्टिमाइजेशंस की गई हैं तो आपको ये नया इसमें कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा. फिफ्थ न्यूज़ नासा की तरफ से आ रही है. नासा का उनकी सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया है. ये उन्होंने भेजी थी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उन प्लैनेट से जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर आते हैं. इसका नाम उन्होंने एस्टीरिया दिया था और एस्टीरिया में कई छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं जिनको बोलते हैं क्यूबसैट्स और जो इनका लास्ट इससे कॉन्टैक्ट हुआ था वो दिसंबर 2019 में हुआ था और इनका कहना है ये मार्च तक इससे ट्राई करते रहेंगे वापस कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए. इनका कहना है ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गैदर कर चुके हैं मगर जो इनका कनेक्शन उससे टूटा है उसको लेकर ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है. सिक्स न्यूज OnePlus की तरफ से आ रही है. OnePlus का 8 Lite इसके कुछ लाइव इमेजेस लीक हुए हैं. ये जो लीक है इसमें फोन को आगे और पीछे दोनों तरफ से देखा जा सकता है और इसमें जो डिजाइन है ये OnePlus 7 की तरह ही दिया हुआ है मगर इसमें आपको इस बार 3 कैमरास देखने को मिलेंगे. OnePlus 7 में 2 कैमरास आपको मिलते थे और इस बार OnePlus के 3 मॉडल्स आने वाले हैं. एक जो होगा उनका OnePlus 8 होगा और दूसरा आपका OnePlus 8 Pro होगा और तीसरा ये OnePlus 8 Lite. और ये कहा जा रहा है कि ये मीडियाटेक के नए प्रोसेसर डायमेंसिटी 1000 के साथ आ सकता है और अगर ये स्नैपड्रैगन के साथ आया तो ये 765G के साथ आपको देखने को मिलेगा.
इसकी जो प्राइस होगी वो करीब 25 से 30 हज़ार के बीच में रखी जाएगी, फिर इसके बाद आपको वन प्लस एट मिलना शुरू हो जाएगा। सेवन न्यूज एचपी की तरफ से आ रही है, एचपी का X360 जो लैपटॉप आता है उसका जो अपग्रेड मॉडल होगा ये आपको CES में देखने को मिलेगा। ये 10 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आएगा और इसमें आपको पहली बार ऐसा होगा कि आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इनका NV ऑल इन वन डेस्कटॉप है उसका भी अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये NVIDIA का GeForce RTX 2080 ग्राफिक कार्ड देने वाले हैं। जो इनका X360 है वो इस बार कहा जा रहा है कि जो इसके बेजल्स हैं वो 60% आपको कम देखने को मिलेंगे और उसी के साथ ये 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो बन जाता है। इसकी जो प्राइस है वो 1,15,000 कही जा रही है और ये आपको मार्च से मिलना शुरू होगा। इसके अलावा HP का जो एलीट ड्रैगन फ्लाई है उसका सेकेंड जनरेशन लैपटॉप भी ये दिखाएंगे, जो कि वर्ल्ड का पहला लैपटॉप होगा जो कि आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा। इसमें भी आपको 10 जनरेशन कोर i7 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये 16 GB रैम और 2 TB SSD के साथ आएगा। उसी के साथ इसमें आपको 4K और फुल HD स्क्रीन देखने को मिलेगी। 8th न्यूज realme की तरफ से आ रही है, realme का जो 5i है वो 9 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ऐसा इन्होंने realme ने ट्वीट करके बताया है और फ्लिपकार्ट पर भी ये टीज कर दिया गया है कि आपको 9 जनवरी को फ्लिपकार्ट पे मिलना शुरू होगा। इस फोन की जो मेन खास बात है वो इसकी बैटरी है, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और ये जो फोन का डिस्प्ले होगा वो 6.5 inches का होगा और ये HD+ डिस्प्ले आपको दिया जाएगा। ये फोन आपको स्नैपड्रैगन के 665 के साथ मिलेगा और इसमें आपको 4 GB रैम भी दी जाएगी। ये फोन कलर OS 6 के साथ आएगा जो कि एंड्रॉयड पाई पे आपको मिलेगा और इसकी एक और जो हाईलाइट है वो है इसके पीछे 4 कैमरास आपको दिए जाएंगे। मेन कैमरा इसमें 12 MP का होगा और दूसरा कैमरा इसमें 8 MP का होगा अल्ट्रा वाइड और तीसरा और चौथा आपको 2-2 MP के मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग कैमरास दिए जाएंगे। आगे इसमें आपको 8 MP का कैमरा मिलेगा। 9th न्यूज सैमसंग की तरफ से आ रही है, सैमसंग ने अपना ट्रूली बेजल-लेस TV ये अनवील कर दिया है CES में और ये आपको 8K OLED रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। ये टीवी पहला ऐसा टीवी होगा जो कि एंटायरली बेजल-लेस है, नहीं तो कंपनीज पहले ऐसा बोलती थी कि उनके टीवी बेजल-लेस है बट उसमें आपको साइड में फ्रेम और कई बेजल भी देखने को मिल जाते थे और ये सैमसंग ने पहली बार ऐसा करके दिखाया है और इस बार आपको जो टीवी होगा वो ट्रूली आपको बेजल-लेस मिलेगा। 10th न्यूज बॉश कंपनी की तरफ से आ रही है, बॉश कंपनी ने अपने वर्चुअल वाइजर्स अनवील कर दिए हैं और ये LCD टीवी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये जो डायरेक्ट सनलाइट आती है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं कार तो जो ड्राइवर के ऊपर सनलाइट आती है सामने से जिससे दिखना बंद हो जाता है और इसके कारण काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं, तो ये आपको उससे बचाएगा। ये अपने एल्गोरिदम और कैमरा से एनालाइज कर लेगा जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट जो ड्राइवर की आंखों पे पड़ रही हैं जिससे उसको दिखाई देना बंद हो रहा है, तो वो ये क्या करेगा जो मिरर का पोर्शन है जहाँ से रेज आ रही है उसको ये डार्क कर देगा जिससे उसकी विजिबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी और वो आराम से कार ड्राइव कर पाएगा। 11th न्यूज ऑनर की तरफ से आ रही है, ऑनर का जो 10 लाइट है उसमें एंड्रॉयड 10 बेस्ड ऑन MIUI 10 इसका अपडेट मिलना शुरू हो गया है और ये अपडेट 3.5 GB का है और इसमें आपको नए एनिमेशन, डार्क मोड, इम्प्रूव्ड UI और मैगजीन स्टाइल लॉक सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जो भी ये सोच रहा था कि ऑनर को एंड्रॉयड 10 का अपडेट नहीं मिलेगा तो भाई आप गलत हो गए हो, क्योंकि ऑनर ने अपने 10 लाइट में आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट दे दिया है। 12th न्यूज LG की तरफ से आ रही है, LG का G9 thinq इसके कुछ लीक सामने आए हैं। इसमें इस बार आपको पीछे 4 कैमरास देखने को मिलेंगे, वही जो सेम आपको मेन कैमरा होगा और फिर एक अल्ट्रा वाइड होगा, एक मैक्रो होगा और एक आपको टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा। इसका जो डिज़ाइन है वो G8 जैसा ही लग रहा है और इसमें आपको हमेशा की तरह 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा। ये LG की खास बात है, वो अपने फ़ोन से कभी भी 3.5 mm जैक नहीं हटाता है, इनफैक्ट वो उस पर काफ़ी अच्छा काम करता है और आपको बेस्ट से बेस्ट साउंड आपको देने की कोशिश भी करता है। इसमें आपको जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.7 से 6.9 इंच तक देखने को मिल सकता है और इसमें आपको आगे वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जाएगा। 13th न्यूज शाओमी की तरफ से आ रही है, शाओमी का जो Redmibook आता है उसका ट्रेडमार्क इंडिया में शाओमी ने रजिस्टर करवा दिया है जिससे ये पता चल रहा है कि इंडिया में अब आपको Redmibook देखने को मिलेगा
और ये चाइना के बाद दूसरी इंडिया ऐसी कंट्री होगी जहां पे आपको शाओमी के लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे। शाओमी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया साइट पर ये ट्रेडमार्क का रजिस्टर करवाया है, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया साइट है यहाँ पर जो ट्रेडमार्क और पेटेंट्स होते हैं वो रजिस्टर करवाए जाते हैं। अगर लीक की माने तो रेडमी बुक आपको जो चाइना में अभी पिछले महीने लॉन्च किया है वही आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप में आपको 13.3 इंच की फुल एचडी स्क्रीन देखने को मिलेगी, और ये i4, i5 और 8 GB रैम के साथ आपको मिलेगा। इसमें आपको 512 SSD भी दी जाएगी, और जो इसकी प्राइस है वो चाइना के हिसाब से 42,300 रुपये बनती है। 14 तो आखिरी न्यूज़ नोकिया की तरफ से आ रही है। नोकिया का रेट्रो स्टाइल का ओरिजिनल नोकिया जो फ़ोन है ये आपको 25 जनवरी से इंडिया में मिलना शुरू होगा। ये एक फीचर फ़ोन होगा और इसमें आपको वही बटन्स वगैरह दिए जाएंगे जो कि पहले आपको नोकिया के फीचर फोन में देखने को मिलते थे। ये एक फ्लिप फ़ोन होगा और इसमें आपको जो फ्लिप फ़ोन का जो फील मिलेगा वो पहले की तरह ही मिलेगा। जैसे आप पहले होता था कि फ़ोन जब आप कट कर रहे होते हो तो आप एकदम से इसका फ्लिप बंद कर देते हो, फ़ोन कट हो जाता है, तो वो इस बार आपको देखने को मिल जाएगा इस नोकिया के फोन में। तो बस इतना ही था आज की टेक न्यूज़ में। जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।